गुड मॉर्निंग एवरीवन, जय माता रानी। आप सबको स्वागत करते हूँ मेरे यूट्यूब चैनल रीना द होममेकर में। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज मैं पालक की एक रेसिपी बनाने जा रही हूँ, चलिए उसको देखते हैं कैसे बनता है। मैंने पालक को अच्छे से धो लिया है, अभी ये आधा ग्लास पानी में इसको बॉयल कर लेते हैं। अभी अच्छे से पालक बॉयल हो गया है, अभी इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, पानी निकाल के फिर इसको पीस लेंगे। आज की रेसिपी की मेन इंग्रेडिएंट्स है चने की दाल, बॉयल्ड आलू और पालक को मैंने बॉयल करके इसको पीस के रखा है। अदरक लहसुन को मैंने कूट के रखा है, आप चाहे तो इसका पेस्ट भी ले सकते हैं। हरी मिर्च, दालचीनी, प्याज, टमाटर, हरी धनिया, कस्तूरी मेथी, गरम मसाला, नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा, बटर और रिफाइंड ऑयल। मैं इसको रिफाइंड ऑयल में बना रही हूँ, आप चाहे तो सरसों का तेल में भी बना सकते हैं। मैं कढ़ाई गैस के ऊपर गर्म करने के लिए रख दिया है, उसमें थोड़ा सा रिफाइंड तेल भी ले लिया है। इसमें हम बटर डालेंगे, बटर खाली डालेंगे तो ये जल जाएगा, इसीलिए हम थोड़ा सा रिफाइंड डाल के फिर बटर डालेंगे। देखिए मैं बटर भी डाल रही हूँ, अभी बटर को गर्म होने देते हैं। देखिए बटर गर्म हो गया है, इसमें थोड़ा सा हम जीरा डालेंगे, फिर दालचीनी डालेंगे, फिर हरी मिर्च डालेंगे, फिर प्याज डालेंगे। प्याज को अच्छे से ब्राउन होने तक भूनेंगे। प्याज भूनते भूनते हम थोड़ा सा नमक डाल लेंगे, हम दाल में भी बॉईल करने के टाइम नमक डाले थे, इसीलिए स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, जिससे प्याज जल्दी पानी छोड़ देगा। देखिए प्याज थोड़ा थोड़ा ब्राउन हो रहा है, इसमें अभी अदरक लहसुन का मैं कूट के रखी थी जो वो डाल रही हूँ। अभी इसको अच्छे से भूनेंगे जब तक अच्छे से इसका कच्चा स्मेल ना चले जाए। मसाला थोड़ा पक रहा है, इसमें अभी हम टमाटर दे देंगे, आप चाहे तो टमाटर का प्यूरी भी दे सकते हैं। अभी इसके धीमी आंच पर पकने देंगे। देखिए टमाटर अच्छे से पक गया है, अभी हम सारे पाउडर मसाला देके अच्छे से भून के फिर इसमें पानी डालेंगे मसाला को अच्छे से पकने के लिए। अभी थोड़ा सा हल्दी डालेंगे, क्योंकि मैंने जब बॉईल किया था दाल उसमें हल्दी डाल दिया था। धनिया थोड़ा ज़्यादा डालूंगी और मिर्ची का पाउडर अपने स्वाद के अनुसार डालेगा। अभी इसको अच्छे से भूनेंगे फिर पानी डाल के इसको पकाएंगे, इसका कच्चा स्मेल जाने तक, जब तक मसाला तेल ना छोड़े। मसाला पक रहा है, अभी इसमें हम थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे और कस्तूरी मेथी डालेंगे, फिर गरम मसाला लास्ट में थोड़ा डालेंगे। अभी इसको अच्छे से पकाएंगे। 5 मिनट पकाने के बाद देखिए मसाला तेल छोड़ने लग गया है, अभी मसाला पक गया है। अभी इसमें हम पालक का जो प्यूरी बना के रखे थे इसको डाल के फिर 5 से 7 मिनट पकाएंगे। देखिए पालक भी पक गया है, अभी इसमें आलू को हम क्रश करके हाथ से डालेंगे। मैं चना दाल ली हूँ, आप लोग चाहे तो अरहर की दाल में भी बना सकते हैं, एक बहुत टेस्टी बनता है, आप लोग भी एक बार बना के देखिए। इसको रोटी या चावल दोनों के साथ हम अच्छे से खा सकते हैं। अभी मैं जो दाल बॉईल की थी उसका जो पानी निकाला था वही पानी इसमें हम ऐड करेंगे, जितना हमें रिक्वायर्ड होगा। ये ज़्यादा थिन नहीं होता है, थिक में ये अच्छा लगता है दाल। देखिए दाल अच्छे से पक गया है, अभी हमें ऊपर से थोड़ा कटी हुई धनिया और गरम मसाला डालेंगे। मैं बाजार का गरम मसाला डाल रही हूँ,
आप चाहे तो घर में बना के डाल सकते हैं। अभी मैं गर्म मसाला डाल रही हूँ। हम पहले भी गर्म मसाला थोड़ा डाला था, इसलिए थोड़ा चाहिए, ज़्यादा नहीं डालेंगे। और धनिया पत्ता भी डाल देंगे। अभी अच्छे से मिक्स करके प्लेट में निकाल लेते हैं। अभी हम गर्मा गर्म दाल में बटर डाल देंगे, देखिए कितना टेस्टी लगता है। फिर अगर आप सबको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।